वेलकम टू गर्विताज क्रिएटिव प्लान। सो आज हम बनाने वाले हैं एक स्मॉल डेकोरेटिव ग्लास जार, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, अपने पेन्स, पेंसिल, स्टेशनरी स्टफ या कोई डेकोरेटिव फ्लावर्स, या आप उसको एक एज अ शो पीस कहीं भी रख सकते हो, आपके स्टडी टेबल पे या कोई शो केस हो। तो सबसे पहले हमको कोई भी कलर कर लेना है ग्लास जार पे, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर कर सकते हैं। कोट हो गया है पेंट का, अभी इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, फिर हम सेकंड कोट करेंगे इसका। तो गाइस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड कोट, क्योंकि फर्स्ट कोट से ये थोड़ा अभी भी ट्रांसलूसेंट है। अगर हमको पूरा ओपेकनेस देनी है तो उसको सेकंड कोट भी हमें करना पड़ेगा, तो सेकंड कोट करते हैं। सेकेंड कोट भी पूरा हो गया है, तो अब हम इसे भी ड्राई करने रखते हैं। तक हमारा पेंट हमारे जार से सूख रहा है, तब तक हमें बटर पेपर पे कुछ भी बनाना है, जो भी आपको ड्राइंग अगर ट्रेस करनी हो जार पे, या फिर मैं यहाँ पे अभी स्ट्रॉबेरीज बना रही हूँ, मैंने स्ट्रॉबेरी बना ली है, पर अगर हमको ये ट्रेसिंग प्रिंट स्ट्रॉबेरी के जार पे चाहिए तो हमें पीछे शेडिंग करनी पड़ेगी, ताकि ब्लैक शेडिंग प्रिंट्स हमारे आ जाए। ऐसे करनी है शेडिंग। तो अब हमें ये जो हमने स्ट्रॉबेरी बनाई थी इसको ऐसे रखना है हमारे जार पे, और फिर इसको अगेन ड्रॉ करना है। हमारी ये ट्रेस हो गई है देखो। तो अभी हमें ब्लैक स्केच पेन से इस पे आउटलाइन करनी है, ताकि ये थोड़ा सुंदर दिखे।
स्ट्रॉबेरी को भी अंदर से कलर करना है। जैसे हमने ये वाली स्ट्रॉबेरी बनाई थी, हम वैसे ही बहुत सारी बना लेंगे। देखो हमने बना ली है अभी। और अगर आपको कोई भी कोट लिखना होता हो वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी यम्मी। आप ऐसे कोई भी नोट लिख सकते हो। हमारा ये डेकोरेटिव जार रेडी है।